सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू मजेदार वीडियो में। क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फ्री फायर मैक्स आप कैसे डाउनलोड करके खेल सकते हो। काफी बंदे ये सोचते हैं कि भाई हमको फ्री फायर मैक्स खेलने को मिलेगा या नहीं। आप सबको बता दूं कि गिरेना ने यहाँ पे ऑफिशियली शायद से ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किया है कि 29 अगस्त से अपने इंडिया में प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फ्री फायर मैक्स का। प्री रजिस्ट्रेशन में होता क्या कि पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गाइस क्या होगा जब आज ही आप फ्री फायर मैक्स को इजीली डाउनलोड करके प्ले कर पाओगे अपने फोन में, जैसा भी फोन हो आपका, खेल पाओगे किसी भी तरीके से उसमें। सो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इजीली आप फ्री फायर मैक्स को आज ही या अभी उससे पहले मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले लॉन्च से पहले आप कैसे खेल सकते हो डाउनलोड करके। सो उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे तो पता है मेरे भाई आप लाइक जरूर से कर दोगे हर बार की तरह। एंड जो लोग नए आए हो मुझे ये भी पता है कि जो लोग नए आए हो दिल के बहुत साफ हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, जरूर से फॉलो कर लेना। आप पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि फ्री फायर मैक्स आप कैसे इजीली डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो यहां पे स्क्रीन पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है वीपीएन मलेशियन, एक ऐप है जो आपका वीपीएन से चेंज कर देता है सर्वर, और उसको आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा थोड़ा देर लगेगा, मतलब 12 MB का तो ऐप है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद जब ओपन का ऑप्शन आएगा उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इसको ओपन नहीं करना, बैक आके आपको यहां से एक न्यू ईमेल आईडी बनाना है, मतलब ईमेल बनाने तो आपको इजीली आता ही होगा। यहां पे ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद गाइस आपके पास ऑप्शन आएगा यहां पे अकाउंट लॉगिन करने का। यहां पे कुछ देर बफरिंग करेगा, उसके बाद में मतलब 2-3 सेकंड का लगेगा, उसके बाद में यहां पे आपको बफरिंग करने के बाद दिखेगा कि क्रिएट न्यू अकाउंट, उसके बाद में आपको लॉगिन करने का। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके माई सेल्फ मतलब कर लेना आप, उसके बाद में यहां पे अपना अकाउंट बना लेना जैसे बनाते हैं आपको तो पता ही होगा, उसके बाद लॉगिन कर लेना। इसमें सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, फिर से आना है बैक और जो ऐप डाउनलोड किया है वीपीएन मलेशियन उस ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इससे आपको फोन को कोई हार्म नहीं पहुंचने वाला, ध्यान से समझना यहां पे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, कनेक्ट का यहां पे ऑप्शन आएगा, नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है, उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहां कुछ देर कनेक्टिंग लगेगा, मतलब 10 से 15 सेकंड लगेगा, उसके बाद यहां ओके क्लिक करने के बाद कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्टेड होने के बाद आना है आपको और प्ले स्टोर का जो स्टोरेज होता है ना गाइस, आप सबको पता है हर एक ऐप का स्टोरेज होता है जिसको डाटा क्लियर हम कर सकते हैं, ऑल डाटा क्लियर। तो आपका ऐप इंफॉर्मेशन में जाके उसका डाटा क्लियर करना इजीली, तो बच्चों को आता होगा, आपको भी आता है तो कमेंट करके जरूर बताना, और क्लियर ऑल डाटा कर देना है। क्लियर ऑल डाटा करके ओके करने के बाद आपको फिर से बैक आना है और जाना है अपने प्ले स्टोर में वापस से, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वही आईडी सेलेक्ट करनी है जो ईमेल आईडी आपने न्यू बनाई है, और उस ईमेल आईडी से आपको वहां पे सर्च करना है फ्री फायर मैक्स। तो आपको गाइस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, फ्री फायर मैक्स एयरली एक्सेस, देख सकते हो गाइस यहां पे मेरी स्क्रीन पे आ रहा है फ्री फायर मैक्स, आप डाउनलोड करके इजीली खेल सकते हो गाइस। ये है ट्रिक, और इसको डाउनलोड करके सारे बंदे नहीं खेल सकते हो गाइस, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। क्योंकि गाइस ये एयरली एक्सेस का मतलब समझते हो कि कुछ ही बंदों को ये मिला है खेलने के लिए। जो बेटा वर्जन होता है ना, कोई भी ऐप न्यू लॉन्च होता है उसके बग वग ग्लिच होते हैं, जो पहले पता करते हैं खेल खेल के, उनके लिए गेम अभी मतलब लॉन्च हुई है। मतलब गाइस कोई भी ऐप या गेम लॉन्च होता है ना, उससे पहले उसका बेटा वर्जन जाता है और कुछ ही बंदों को दिया जाता है, जिससे कि क्या पता चलता है कि उसका बग ग्लिचेस जितने भी फिक्स किए जाते हैं पहले, उसके बाद ग्लोबल लेवल पे उसको लॉन्च किया जाता है जिससे सारे बंदे डाउनलोड करके खेल पाए। तो आप में से जब जितने भी बंदे ट्राई करोगे, आप में से सभी बंदे ट्राई करेंगे तो कुछ ही बंदे इसको खेल पाएंगे, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद सबके फोन में नहीं चलने वाला, कुछ ही बंदों को इसमें अकाउंट बन तो जाएगा लेकिन कुछ ही बंदों को चलेगा। तो ऐसा है कि बीटा वर्जन कुछ ही बंदों के लिए बनता है। एंड गाइस वैसे भी अपने इंडियन सर्वर मतलब इंडिया में अपने 29 अगस्त से प्री रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जल्दी ये आ जाएगा फ्री फायर मैक्स, आप डाउनलोड करके इजीली खेल पाओगे। और जिनका 2 GB से कम रैम हुआ भाई उनको तो दिक्कत होने वाली है, इतना तो मैं बता देता हूं, 4 GB प्लस आपका रैम है फोन का तब आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्री फायर मैक्स इजीली आप खेल सकोगे। सो गाइस यही थी वीडियो, आपको जितना बताना था मैंने बता दिया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो मेरे भाई मेरे को पता है दिल के बहुत साफ हो, तो नीचे आप देख लो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो।